अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं एक अपना अभी हाल फिलहाल में एक किस्सा हुआ है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। किस्सा कह लीजिए या फिर इसको लर्निंग कह लीजिए या फिर ये चीज़ हमें पता ही नहीं थी, हो सकता बहुत सारे और लोगों को भी ये चीज़ पता ना हो। तो वो जो बात है वो रिलेटेड है यूपीआई से रिलेटेड। यूपीआई का ज़माना है तो सब जानते हैं, सभी यूपीआई पे डिपेंड हो गए हैं। पहले कैश चलता था तो कैश हमेशा लोग अपने पास रखते थे, कहीं कुछ खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कैश ही लेन देन में यूज़ होता था। लेकिन जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से बहुत लोग जो हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन में और वॉलेट पेटीएम करना या फिर कुछ भी किसी भी तरीके की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड जो मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि हम सब लोग डिपेंड हो गए, चाहे हम कुछ भी लेने जाए, मतलब एक ये समझ लीजिए मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि मैंने एक एक दो दो रुपए भी मतलब दुकान वाले को पेटीएम करे हैं। तो ये हम लोग डिजिटल मनी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब बेसिकली बात ये है। तो डिपेंडेंट हो गए हैं तो वो जो डिजिटल पे हम लोग डिपेंड हो गए, तो बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पास कैश नहीं रखते कि हम सोचते हैं कि हम तो ट्रांजैक्शन कर ही देंगे डिजिटली, कोई दिक्कत नहीं है, चले भले वो अपनी किसी ऐप की पेमेंट हो जो आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप कुछ ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ आप कुछ आइटम कुछ भी मंगा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन ही करते हैं पेमेंट्स। तो मैं मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं अभी दो दिन पहले मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर ली यूपीआई से। तो हुआ ये कि उसके नेक्स्ट डे मेरे को जाना था कुछ सामान लेने के लिए, मैं पहुंच गया, मैंने सामान ले लिया, उसके बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे जहाँ से मैंने सामान लिया था, तो पेमेंट हो नहीं रही, अब कैश भी नहीं था मेरे पास बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में मैं फंस गया क्योंकि हम डिजिटली पेमेंट्स पे डिपेंड हो गए हैं, तो उस वक्त मेरे पास कैश नहीं था। मतलब हो सकता है आप लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी हो, और मैं उसी दिन सोच रहा था कि उसी दिन ये वीडियो शेयर करके बता देता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग इस सिचुएशन में ना फंसे। मतलब कई बार तो ऐसा होता कि कैश है नहीं, आसपास एटीएम भी नहीं है, तो फिर और पेमेंट फिर किस तरीके से होगी? आप ऐसी जगह फंस गए हैं, आप पेमेंट कर भी नहीं पा रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को भी कॉल नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में आप लोग ना फंसे उसके लिए ये बात पता होनी चाहिए। तो वो मैं बताता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने काफ़ी ट्रांजैक्शन कर ली थी पर मैं वहाँ पहुँच के पेमेंट मेरी हुई नहीं। रीज़न क्या आया? रीज़न ये आया, मैं उस रीज़न का स्क्रीनशॉट नहीं ले सका, लेकिन फिर मैंने बाद में अभी सर्च करा उस रीज़न को, तो वो आ रहा था कि आपके डेली लिमिट क्रॉस हो चुकी है। डेली लिमिट क्रॉस हो गई है किस चीज़ की? आपके यूपीआई की। तो मैंने एक मतलब 24 घंटे के अंदर मैंने 10 ट्रांजैक्शन कर ली थी यूपीआई से, तो उसमें जो भी ग्रॉसरी होती हैं और कुछ बिल पेमेंट्स हो गई, तो ये मेरी 10 पेमेंट हो गई थी। तो जो 11th पेमेंट थी वो मैं मेरी हो नहीं पाई, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाई। ये नहीं कि
आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से नहीं हुई, दूसरे से आप ट्राई करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर 10 UPI ट्रांजेक्शन किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो अगर आपकी एक दिन के अंदर हुई हैं, तो फिर आप 11वीं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में आप ना फंसो, तो इसके लिए आप थोड़ा अपना कैश अपने पास रखिए जो कि ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ट्रांजेक्शन तो करते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे कभी इतने मैक्सिमम ट्रांजेक्शन नहीं होते। जैसे 10 ट्रांजेक्शन तो लोगों का कम ही होता है कि 10 हो जाएंगे एक दिन में, लेकिन अब किसी के साथ अगर हो गए हैं तो वो फिर 11वीं नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखिए, अभी तक का ये रूल है। हो सकता है कि बाद में शायद ये रूल चेंज हो जाए, तो लेकिन अभी जो है उसके हिसाब से हमें थोड़ा अपने पास कैश रखना चाहिए। और बस मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें डिजिटल डिजिटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। बस यही बात मेरे को थोड़ी शेयर करनी थी। तो हो सकता है किसी के साथ हुआ हो ये, लेकिन और ये तो ऐसी बात है कि हमें ये बतानी भी चाहिए अपने फ्रेंड सर्कल में कि कोई ऐसे इस सिचुएशन में इस तरीके से ना फंसे कि उसके पास कैश भी नहीं है और वो मतलब कुछ पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है, और वो उसको वो सामान लेना बहुत ज़रूरी भी है। तो ये प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि एक दिन में अभी की जो लिमिट है वो 10 UPI ट्रांजेक्शन्स की है, 11वीं आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो उस दिन ऐसे बच गया कि मैंने वो सामान लेना ही था, क्योंकि मेरे कलीग का फेयरवेल था उस दिन, तो उसके लिए कुछ सामान लेना था मेरे को। तो फिर मैंने पूछा, मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर लिए, किसी से हुआ नहीं था। तो फिर मैंने शॉपकीपर से पूछा, मैंने कहा भैया ATM बता दो आसपास कहीं है तो वो तो शुक्र है अल्लाह का ATM पास में ही था, मतलब 100 50 100 मीटर की डिस्टेंस में था। मैं फटाफट जाके मैंने कैश निकाला और मैंने फिर उसकी पेमेंट कर दी, और मेरे को मिल गया वो जो मैं सामान ले रहा था अपने कलीग के लिए। तो बस यही था कि डिजिटली बहुत डिपेंड नहीं है और होना हर एक चीज़ पे। और या तो ये मेरी लर्निंग हो गई कि मेरे को पता चलेगा कि डेली की कितनी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मतलब लिमिट है इसकी, UPI इसकी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दोस्तों को बता दीजिएगा ये जो अभी मैंने शेयर करा आपसे, 10 UPI इन अ डे। चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।